एक गटर 60-70 किलो का न पारई नात्रे वाचोभी श्यामे त्वामेवायादि किम्। जब बाघ आया कल, शेर, तेंदुआ अंदर आ गया था, घर के अंदर, घर के अंदर घुस गया, फिर भगाया कैसे? कुत्ते ने, कुत्ते आंख झपड़ के सोए, हल्ला करके, मैं बाहर आ गए थे। बाघ तो शेर को बोलते हैं ना यहाँ, लेकिन तेंदुए को बाघ बोलते हैं पहाड़। अच्छा। में ना बाघ बाघ बोलते हैं उसी को, बोलते हैं तेंदुए को, क्योंकि यहाँ तेंदुए ज्यादा होते हैं। तेंदुआ क्या चालाक होता है, बहुत चालाक होता है तेंदुआ। तेंदुआ प्लानिंग करता है, मतलब वो एक बार देख लेता ना। अच्छा, ये घर के अंदर घुस गया था तेंदुआ? अरे बाप रे। अरे एक बार तो फर्स्ट फ्लोर में एंट्री मारी डायरेक्ट उसने भाई जी। नीचे से नहीं, ऊपर से डायरेक्ट एंट्री मारी फर्स्ट फ्लोर पे। अरे उन्हें पता चल जाता है जब आदमी डरता है ना, मतलब हरी जानवर का होता है सब। वो तो आप कुत्ते के साथ भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। कुत्ते से भी आप डरोगे कुत्ता आपको दबाएगा। आप किसी इंसान से डरोगे वो इंसान आपको दबाएगा। ये तेंदुआ भी ऐसे ही, अगर आप उसने देखा कि आप डरे नहीं हो तो फिर वो भाग गया, वो कुतर जाएगा। करो, मैं इसीलिए कह रहा था कि जब हम जंगल में जाते हैं तो पहली उस ये बात बता देते हैं कि ऐसी कि डरना नहीं। क्योंकि जैसे ही आप डरोगे तो ये नेचुरल इंस्टिंक्ट है हमारा। हम जब भी डरते हैं ना हम भागते हैं। अब हम जंगल में कितना भाग लेंगे, और अगर भागेंगे तो सब अलग हो जाएंगे। तो फिर आपके जीवन पे ज्यादा बड़ा खतरा है। जब तक आप साथ में तो जीवन बचाया जा सकता है, तो इसलिए थोड़ा सा इकट्ठा रहना पड़ता है। तो डरे ना डरे भी तो भागे ना बस। अच्छा, भागे वो कितनी देर रहा अंदर? फिर भाग रहा वो मतलब 5-7 जिसपे ज्यादा मास होगा उस पे अटैक करेगा। अच्छा, बकरी को पेड़ पे लेके गया? लेपर्ड अपने सारे शिकारों को पेड़ पे लेके जाता है। अच्छा, नहीं तो वो जमीन पे रहेगा तो दूसरे जानवर भी उसका शिकार ले जा सकते हैं। लेकिन टाइगर वगैरह पेड़ पे नहीं चढ़ पाते हैं। ये पानी अपने गांव तक जाता है। तो जैसा ये पंपिंग इसे देखो अंदर, हाँ आवाज आई अभी, पंप चालू हो गया। अच्छा, पंप चालू हुआ तो इसके अंदर जो पानी भरा हुआ है ये अब ऊपर वाले जो माउंटेन टॉप के ऊपर टैंक बना है उस टैंक पे चढ़ रहा है। टैंक नीचे भी है जहाँ वाटर सोर्स है। वाटर सोर्स से नीचे वाले टैंक में पानी भरता है, फिर वहाँ भी पंप है, पंप वहाँ से चलता है इस टैंक में पानी भरता है, फिर यहाँ से पंप चलता है ऊपर वाले टैंक में पानी जाता है हाईएस्ट पॉइंट पे, और फिर हाईएस्ट पॉइंट से ग्रेविटी के द्वारा नीचे के टैंकों में पानी पहुंचाया जाता है और उन टैंकों से अलग अलग गांव में पानी जाता। और आपका पंप चालू बंद करने का काम है? हाँ, ये दो मोटरें लगा रखी है। पर खराब होती है क्या मोटर? फिर बुलाना पड़ता है मैकेनिक को। दूसरे जो आदमी है वो अभी घर गए हुए? वो घर गया। अच्छा, तो उतने टाइम के लिए आप अकेले रहते हैं तो कोई नीचे से ऊपर भी अकेले रहो? डर कुछ नहीं है? डर तो क्या लगता ही है, और क्या करना है, ड्यूटी से करनी है। इधर इस पॉइंट तक पंप तक कोई जानवर आया कभी? इस पे कभी कभी अभी आया थे सर्दियों में, जैसे पिछली बार मैंने देखे थे 2-3 भालू आ रखे थे यहाँ। अरे बाप रे, यहाँ पंप तक? यहाँ इस समय बगल में खेत है, इधर ये सामने। फिर क्या करते हैं, मतलब दरवाजा बंद करके अंदर बैठ जाते हैं? दरवाजा क्या हल्ला उल्ला कर दिया निकल जाता है वो, ऐसे निकलता। अच्छा, भालू आए तो जोर जोर से आवाजें करें तो निकल जाएगा? अरे बड़ा डेंजरस काम है, बड़ा मेहनत का काम है। और खाना वगैरह सुबह लेके आते हैं? खुद ही बनाते हैं। शाम को घर में खा लेते। लंबा जंगल है ना ये? नीचे
हाँ आसपास में तो बहुत दूर दूर तक जंगल ही जंगल है, पूरा जंगल ही है, यहाँ से नीचे शुरू हो गया जंगल। ये जंगल के सेंटर में आ चुके अपन। तो यहाँ पे एक ये वाटर सोर्स है, बड़ा साइलेंट वाटर सोर्स है, पानी की कोई आवाज़ नहीं है। यहाँ आसपास आप देखेंगे तो लालटेना होगा है, तो लेपर्ड यहाँ बैठा रहता है, तो कोई भी छोटी मोटी हलचल होती है किसी डियर के आने की या किसी जानवर के आने की, तो वो लेपर्ड को पता चल जाती है। अच्छा। तो ये जो साइलेंट वाटर पॉइंट्स होते हैं, ये प्रीडेटर्स के अटैक करने की बेस्ट लोकेशंस में से एक होती है। तो मतलब हमारे आसपास भी कहीं लेपर्ड हो सकता है। लेपर्ड हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर बाय चांस हमको यहाँ लेपर्ड दिख जाए अभी, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो बड़ा कॉमन है। क्योंकि इस पूरी वैली में अभी करंटली हम, क्योंकि राजा जी नेशनल पार्क और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीच में है, जानवरों का माइग्रेशन कंटिन्यूसली चलता ही रहता है, तो वो एक कॉमन चीज है। लेपर्ड की बात नहीं है, जब भी आप कभी जंगल में जाएं, तो जंगल में एज अ यूनिट जाया जाता है। आप चाहे कितने ही बड़े डरपोक हों, कभी ना भागे। और मतलब हम तो आपस में मित्र हैं, इसलिए मैंने वो प्रोफेशनल बातें नहीं की। हाँ। नहीं तो ऐसा होता है कि जब मैं किसी के साथ जंगल में घुसने वाला होता हूँ, उससे पहले ही मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि देखिए ऐसे कि हम सब एक साथ जा रहे हैं, कितना ही डर लगे भागे ना, क्योंकि जो व्यक्ति भागेगा उसके पीछे वो बच नहीं पाएगा। अच्छा। जब तक हम सब साथ रहेंगे तब तक हम सब बचे हुए हैं, अगर कोई डर के मारे भागा तो फिर लेपर्ड उसी को पकड़े। हाँ, फिर कोई जिम्मेदारी नहीं ली जा सकती है। तो डरे ना, साथ में रहें और सामना करें। जंगल का सिर्फ यही नियम है, मतलब लेपर्ड से तेज थोड़ी भाग जाएंगे हम। हाँ। लेपर्ड का तो ये घर है। हाँ। मतलब कहाँ भाग लेंगे हम। हाँ। हाँ, उसको तो ये झाड़ी तो जितनी है वो कुछ नहीं लगे। हाँ, तो हम किसी के घर में आए हुए हैं, तो पहले तो कुछ ऐसी हरकत ना करें कि किसी दूसरे के घर में घुस के उसकी प्राइवेसी खराब। हाँ। लेकिन अगर बाय चांस जाने अनजाने में ऐसा हो जाता है, तो डरे ना और भागे ना, एक साथ रहें। जबरदस्त डेंस है। तो चलिए, हम जंगल के एकदम इंटीरियर में आ चुके हैं। हाँ। कम से कम अभी जितने भी गांव हैं हमसे कम से कम 2 किलोमीटर दूर हैं। 2 किलोमीटर से नज़दीक कोई गांव नहीं बचा है। इससे आगे जब हम अभी यहाँ से थोड़ा सा चढ़ाई है, ये चढ़ाई चढ़ के जब हम नीचे उतरना शुरू कर लेंगे, उसके बाद हम एकदम सेक्लूडेड और एक्सक्लूसिव एरिया में होंगे। ये जो फॉरेस्ट अब हम इससे आगे देखने वाले हैं, इस फॉरेस्ट में कोई भी बाहर का व्यक्ति, लोकल रेजिडेंट्स के अलावा आज तक नहीं गया है। अच्छा। तो ये बड़ा सेक्लूडेड एरिया है, इसके आगे से वाइल्ड लाइफ ही वाइल्ड लाइफ है, और रियल वाइल्ड लाइफ ट्रेल हमारा हिमालयन ट्राइब का यहाँ से शुरू होता है। क्या बात है। तो ये बड़ा मतलब इससे आगे का माहौल ही बिल्कुल अलग है। आप साउंड भी सुनेंगे इससे आगे की, तो बड़ी नेचुरल होगी, वाइल्ड होगी, अलाइव होगी। हाँ, वाइल्ड बोर की अभी जब एकदम से आई थी, बहुत पूरे कान में आई है आवाज, मतलब तितलियां हो गई, सारी चीजें भी आपको और ज्यादा दिखेंगी। हाँ। इससे आगे से चीजें बदलने वाली हैं। तो अगर आप ध्यान से सुनेंगे भाई जी। हाँ। तो अभी आप पानी के गिरने की आवाज सुन सकते हैं। तो पीछे जो हमने वो साइलेंट वाटर देखा था। हाँ। वो वाटर थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रेवल करके घूम के यहाँ आ चुका है, और अब यहाँ पे वो वाटरफॉल बना रहा है, और उस पानी के गिरने की आवाज है। पूरे पहाड़ में कई गुफाएं हैं, और इन गुफाओं में रहते हैं हिमालयन घुरल, घुरल बोलते हैं उनको। घुरल मतलब? घुरल एक जानवर होता है, मतलब बकरी जैसा होता है। अच्छा। वाइल्ड गोट जैसा।
तो वो रहते हैं इसमें, लेकिन अभी थोड़ी झाड़ी ज्यादा है और वो कैमोफ्लाज रहते हैं, उनका कलर ऐसे ही होता है जैसे इन पत्थरों का कलर है, इसलिए उनको देख मतलब थोड़ी सी दिक्कत होती है उसके चलने से, कोई पत्थर गिर जाए तो आप एकदम देख सकते हैं। अगर आप यहाँ समर्स के टाइम पे आएंगे तो यहाँ झाड़ियाँ बहुत कम होती हैं, पत्थर ही पत्थर होता है, तो तब वो दिखते हैं, एक ही साथ आपको आठ आठ दस दस दिखेंगे चलते हुए। ये जो है अभी यहाँ पे बहुत सारी गुफाएं हैं, हाँ छोटी छोटी सी गुफाएं, उनके अंदर वो रहते हैं, वहाँ छुप के बैठ के रहते हैं। हाँ भाई जी क्या बोल रहे थे? तो नीचे जो है आप ये पेड़ देख रहे हैं ना, ये जामुन का पेड़ है, और तो यहाँ से भालुओं का और लेपड़ का एरिया शुरू है, घुरल बहुत रहते हैं जो कि लेपड़ का भोजन है, तो यहाँ से वो ट्रेल शुरू है, तो कभी भी कुछ भी देख सकता है, बस थोड़ा सा अलर्ट रहना है। बाकी देखो बर्ड्स की आवाज़ आ रही है, ये भाई घना ही होता जा रहा है तो मामला। पत्ते की खुशबू सूंघो भाई जी, कितनी आ रही है, क्रॉस करने में ही आ रही है। वहाँ पे ये काले रंग के फल हैं और ये कढ़ी पत्ते के फल हैं, शायद कम ही लोगों ने कढ़ी पत्ते का भी फल देखा होगा। महाराष्ट्र में हर सब्जी में कढ़ी पत्ता डलता है पर फल मैंने आज तक नहीं देखा। हाँ तो ये है कढ़ी पत्ते का फल और इसे आप खा भी सकते हैं, तो कढ़ी पत्ता अपने आप में एक औषधि है। मीठा होता है ये, खा के देखिए, मीठा है यार, बहुत अच्छा है, मीठा है, ये भी एक औषधि है, बेरी टाइप का। मुंह के अंदर ना कढ़ी पत्ता भर जा रहा है एकदम। हाँ हाँ बहुत गजब की खुशबू है और टेस्ट भी बहुत कमाल का है। कड़ी पत्ता स्वाद हो सकता है इतना ज्यादा, उसका फल इतना मीठा हो सकता है। सिर्फ सबर का नहीं, कड़ी पत्ते का फल भी मीठा होता है। भाई जी यहाँ से हम ना थोड़ा सा साथ में चलेंगे, यहाँ से थोड़ा ना झाड़ियाँ हैं काफी ज्यादा, थोड़ा सा हम ना क्या साथ में चलेंगे, यहाँ पे ना झाड़ियाँ काफी ज्यादा है अभी आगे तक, यहाँ से हम थोड़ा साथ में चलेंगे। हाँ कुछ नजर नहीं आ रहा भाई जी, जामुन भी दिख रहा है, जामुन का पेड़ ही है, जामुन इसी पे रहता है वो, हम इसी पेड़ पे भर। अरे बाप रे, जामुन दिख रहा है आपको? कंडाली क्या वो नेटल, वो हाथ में लगता है ना तो खुजली होती है। अरे बाप रे, तो वैसे वो कैंसर की दवाई है कंडाली। एनवायरनमेंट में पोल्यूशन कम होगा तो पनपने के लिए, इससे पता चलता है कि यहाँ कड़ी पत्ते को पनपने के लिए बहुत बेहतरीन और स्वच्छ एनवायरनमेंट है, इसीलिए तो वो फल दे पा रहा है, देखिए ना जामुन जैसा लग रहा है। हाँ जामुन जैसा मीठा फल है। हाँ बस यही खूबसूरती है, बहुत ऊंची ऊंची झाड़ियाँ है और कुछ नजर आ नहीं रहा है। हाँ ये काफी डेंस फॉरेस्ट है भाई जी, और मेन चीज़ है कि इस फॉरेस्ट में कोई आता नहीं है, है ना, रेयरली ही कभी कोई आता है इस फॉरेस्ट में। वही लग रहा है क्योंकि आना भी आसान नहीं है ना। हाँ और क्योंकि हम थोड़ा ज़रा शौकीन आदमी है ना, तो हम तो शौक के चक्कर में आ जाते हैं यहाँ, अब ऐसे कि बाकी कोई नहीं आता है। अच्छा एक नई चीज़ देखने को मिली, नई जगह देखने को मिली, पर जिंदगी में काफ़ी जगह मैं जंगलों में गया भी हूँ, बीच में से भी गया हूँ, पर इतना घना जंगल में कभी नहीं देखा। कड़ी पत्ते का फल है ना? ये है फल, वाह मीठे। तो इस फॉरेस्ट में कोई नहीं आता है, मतलब जब से मैं गांव में आया हूँ तब से मेरे साथ ही कोई व्यक्ति यहाँ आया है, नहीं तो लोकल लोग कभी कभी आते हैं यहाँ अपनी बकरियाँ लेके। अरे
बस भाई जी हमको यहाँ से मुश्किल से लगेंगे 5 मिनट। एक नेचुरल रॉनेस है और वो जो रॉनेस है वो जो विल्डरनेस है वो एकदम अलाइव है, वो जीवित है, तो वो देख के बड़ा आनंद आता है। ऐसी ही डेस्टिनेशंस को साफ सुथरा और सजा संवार स्पेशली साउथ ईस्ट एशिया में क्या है वाटर पॉइंट्स ही करूँ। हाँ तो अभी जो हमने ये नेचुरल वाटर पूल देखे तो पहले जब घड़ी नहीं हुआ करती थी स्पेशली जो ज्योतिष हुआ करते थे एस्ट्रोलॉजर्स पुराने वो इन वाटर क्लॉक्स का इस्तेमाल किया करते थे। और वाटर क्लॉक में टाइम का पता कैसे लगाया जाता था, तो टाइम का पता ऐसे लगाया जाता था कि उसमें कितना पानी भर रहा है या उसको भरने में कितना समय लगता है या किस स्पीड से पानी उससे बाहर आता है जब वो भर जाता है। तो अभी हम जिस जगह पे खड़े हैं पर्टिकुलरली इस जगह का एज अ वाटर क्लॉक यूज होता था या नहीं होता था ये तो हमें नहीं पता। कुछ लोगों ने कहा है कि होता था, कुछ ने कहा है कि नहीं होता, लेकिन इस तरीके का वाटर क्लॉक सिस्टम पहले हुआ करता था। मेथड्स होते हैं, कुछ इक्वेशंस होती हैं, उनके माध्यम से मैं समय का अंदाज़ा लगाऊंगा। तो जो पुराने ज़माने के एस्ट्रोलॉजर्स होते थे वो इस टेक्निक का इस्तेमाल करते थे, इसे बोलते थे वाटर क्लॉक। तो ये वाटर क्लॉक है या नहीं वो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस तरीके की नेचुरल चीज़ों को देख के हम उन पुराने समय को तरोताज़ा कर सकते हैं। ये पूरा सिंगल रॉक है। अच्छा। कई सालों तक, कई सौ सालों तक या कई हज़ारों सालों तक पानी चलता रहा और उसने ये पूल बना दिया है। अच्छा। कम्प्लीटली नेचुरल है।